हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी ब्लॉगर जैस्मिन। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे मसाले की रेसिपी कि कैसे मसाला बनाते हैं, अचार का मसाला कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अगर अचार का मसाला अच्छा बना होता है तभी अचार का टेस्ट भी अच्छा आता है और अचार खाने में भी टेस्टी लगता है। तो आज मैं शेयर करूँगी कि अचार के मसाले को कैसे बनाते हैं और किस तरह बनाएं कि अचार बहुत ही टेस्टी और चटपटा बने। तो मैं आज आपसे यही बताने वाली हूँ कि कैसे अचार का मसाला बनाते हैं। अचार का मसाला बनाने की सामग्री यहाँ पे लिया है मैंने। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक छोटे साइज़ का बॉल कटोर लिया है और उसमें लिया मैंने दो कटोरी धनिया। धनिया बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया, सूखी धनिया है, बिल्कुल अच्छे से इसको साफ़ किया है और इसी से मैंने दो कटोरी धनिया लिया है। और अब इसके बाद मैं लूँगी सौंफ। तो यहाँ मैं थोड़े से ही अचार का मसाला बना रही हूँ और अब मैं सौंफ लूँगी। चम्मच से ले रही हूँ मैंने, एक चम्मच सौंफ लिया मैंने, एक से दो चम्मच यहाँ पे सौंफ लिया है। और अब मैं इसमें एक चम्मच मेथी दाना लूँगी। मेथी दाना ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो फिर अचार का मसाला जो बनेगा कड़वा हो जाएगा और कड़वापन फील होगा, इसमें कड़वा सा लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा मेथी दाना नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने एक चम्मच मेथी दाना लिया है और अब मैं कलौंजी लूँगी। कलौंजी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है और एक चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने कलौंजी लिया है। अब इन सब मसालों को अच्छे से रोस्ट करना है। मसाले सारे मैंने निकाल के रख लिए हैं बर्तन में, अब मैं इसको रोस्ट करूँगी। तो गैस ऑन कर दिया था, कढ़ाई रखा है मैंने और इस कढ़ाई को गर्म होने दूंगी मैं इसको। ये जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को एकदम स्लो करना है। फ्लेम को स्लो करके मैंने धनिया डाल दिया और इसको धनिया को चलाते रहना है, ये चटकने लगेगा। इसको बिल्कुल फ्लेम स्लो करके ही भूनना है, चटकने की आवाज़ आती है, चटकने लगता है। इसको चलाते रहना है नहीं तो फिर जल जाएगी धनिया और अच्छे से रोस्ट भी नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसको लगातार चला रही हूँ और अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। चटकने लगी है धनिया और इसको एक से दो मिनट तक स्लो फ्लेम में अच्छे से रोस्ट करना है। धनिया रोस्ट हो गई थी, मैंने इसको निकाल लिया, अब मैं इसी में सौंफ रोस्ट कर लूँगी। फ्लेम को स्लो ही रखना है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, फिर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए फ्लेम को जब भी मसाला भूनें तो आप फ्लेम को स्लो करके मसाला भूनें, तभी अच्छे से मसाला रोस्ट हो पाएगा। जब ये चटकने लगता है और अच्छे से रोस्ट हो जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, आप देख सकते हैं इसका कलर सौंफ का चेंज हो गया है। तब इससे ज़्यादा इसको नहीं भूनना, अब मैं इसको निकाल लूँगी, अच्छे से रोस्ट हो गया है। और अब मैं इसमें मेथी दाना रोस्ट कर लूँगी। मेथी दाना भी, जब मेथी दाना रोस्ट करना, इसको चलाते हुए ये चटकने लगता है तभी अच्छे से रोस्ट हो जाता है। इसको भी ज़्यादा नहीं रोस्ट करना, नहीं जल जाएगा, बस ये चटकने लगे तो समझ लो अच्छे से ये रोस्ट हो गया है। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा है, फ्लेम को नहीं तेज़ करना, नहीं तो फिर जल जाएंगे मसाले। मेथी दाने का कलर भी चेंज हो गया, ये मेथी दाना अच्छे से रोस्ट हो गया, तो मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं इसमें रोस्ट करने वाली हूँ कलौंजी, आप देख सकते हैं चटक रहा है, तो ये अच्छे से पक गया है, मेथी रोस्ट हो गया है और मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया। इसी में मैंने कलौंजी डाल दी। जब भी आप एक कलौंजी रोस्ट करें तो फ्लेम ऑफ़ करके रखें, गैस बंद कर दें, तभी अच्छे से मतलब अपने आप रोस्ट हो जाएगा, नहीं तो जल जाएगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है तो इसलिए जल जाता है। तो मैंने गैस ऑफ़ कर दिया, तब मैंने इसमें मेथी दाने में ही मैंने कलौंजी डाल दिया। अब ये अच्छे से दोनों रोस्ट हो गए हैं। अब मैंने कढ़ाई से निकाल कर थोड़ी देर तक, जब तक ये ठंडा ना हो जाए, इसको मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर बना लेना है, लेकिन जब ये ठंडा हो जाए तब तो मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ऐसे रख के बर्तन में निकाल के कि अच्छे से 5 मिनट हो गए हैं, तभी मैं इसको, अभी ठंडा हो गया है, अब मैं इसको मिक्सी जार में पीस लूँगी।
और बिल्कुल इसको अच्छे से पाउडर बना लेना है, मोटा नहीं पीसना है। तो मैं साथ में सब इकट्ठा ही इसको जार में डाल के पीस लूँगी। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का जार लिया है और मैं इसी में सब इकट्ठा मसाले डाल के साथ में पीस लूँगी। मसाला पिस गए हैं तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ अभी सही से पिसे कि नहीं। अभी थोड़ा सा रह गया है तो मैं इसको एक बार और पीस लूँगी। बिल्कुल इसको पाउडर बना लेना है। पीस लिया था मैंने इसको, दो बार में पीसा है मैंने, एकदम बढ़िया पाउडर बन गया है आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें पिसी हुई हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप साथ में पीस सकते हैं लाल मिर्च, लेकिन मैंने पीस कर पहले से ही रखा था हल्दी और लाल मिर्च, तो मैं पिसे हुए हल्दी 2 से 3 चम्मच और लाल मिर्च 1 से 2 चम्मच बड़े चम्मच से मैंने इसमें ऐड किया है और मैंने अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने, अब मैं इसको स्टोर करके रख लूँगी। गाइस बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है क्योंकि मसाले की स्मेल बहुत ही अच्छी लग रही है, अच्छे से रोस्ट हो गया है और मैंने इसे अच्छे से पीस लिया। अब मैं इसको स्टोर करके रख लूँगी, जब मुझे अचार बनाना होगा तब मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो आप इसको रोस्ट करके रख, चाहे आप इसे अचार, कोई भी अचार बना सकते हैं, आम का अचार हो, गाजर का, गोभी का, कोई भी अचार बनाएंगे और इसको मसाले को ऐड करेंगे उसमें मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छी अचार बनेगा, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है फिर अचार की, बहुत ही टेस्टी और चटपटा अचार बनता है। और मैं आम का अचार बनाऊंगी, वो मैं आपके साथ अगले रेसिपी में शेयर करूँगी। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन बटन को टच करके सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही नई रेसिपी रोज़ मैं आपके साथ आसानी से शेयर कर सकूं। मिलती हूँ फिर मैं आपसे अगली नई वीडियो में रेसिपी की। आप मेरी वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।